सर्वधर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणी अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूर्ये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। See, the clock in my office is showing 10:26. So I thought there is time. But I think it is 20 minutes slow. I'm sorry that all of you have to keep waiting. I kept you waiting. So we were just studying Sri Ramakrishna's sojourn at Shyampukur. Shyampukur Bhati में जब उनने रहा करते थे, उस समय की कुछ घटनाएं लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे। So in a very simple way, Satmaj is explaining कैसे ठाकुर सबके प्रति नजर रखते थे, कैसे सहायता करते थे। It's not through any great, normally what we call as miraculous something, लेकिन very subtly, in a very unique way, how he was guiding and protecting devotees. तो बलराम बसु तो बहुत ही परम वैष्णव परिवार की सज्जन, उन्होंने पूरी में हुई फैमिली परिवार की कुछ एस्टेट था, वो देखभाल करते थे। हर रोज जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी का दर्शन, और साधु संत लोग तो बहुत आते थे, उन लोग के साथ बहुत ही मिलते थे। Actually, for first he went there because he was not well. तबीयत की कुछ कारण से वहाँ गए थे, लेकिन धीरे-धीरे इतना अच्छा लगा, वो तो अपना सब बिजनेस सब दूसरे कोई भतीजा किसी को बाहर सौंपाया करके, तुम साल में मेरे इतने पैसे दे दो, बस तुम सब देखो करके। He was only busy going to Jagannath and mixing with sadhus. उस समय उनके पिताजी भी जीवित रहते थे, तो इन लोग बहुत ही विचलित हो गए, क्या होगा अभी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। Then you know, one of the two cousins, one Hariballabh, another cousin, I will forget his name. दोनों सलाह करके देखा, इसका किसी से पुरी से ले आना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगा। So उन्होंने बलराम बसु किसी वक्त कलकत्ता आना पड़ा, कोई शादी की वजह से, सब कोई शादी में जाना था। वो सोचे 2-4 दिन रह के वापस में पूरी चला जाऊं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया, हरिवल्लभ उनको चिट्ठी दिया, मैं कलकत्ता पे एक मकान ले रहा हूँ, आपका वहाँ रहना है। सो उन्होंने सोचा ठीक है, अभी तो बोल रहे हैं, देन आई कैन गो बैक टू पूरी। बहुत ही उनका मन में बहुत दुख आया, कैसे जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं होगा, साधु संतों के साथ भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कलकत्ता आने के बाद किसी वक्त ठाकुर के साथ एक बार वो मिला, उसी दिन से उनका जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तन होना शुरू कर दिया। सो इसके बाद पुरी की जाना तो बिल्कुल बात भूल ही गए। जी वॉज सो हैप्पी इन द कंपनी ऑफ श्री रामकृष्ण। सो धीरे धीरे कलकत्ता में रह के फिर ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा, एंड धीरे 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 ही बिकेम वेरी क्लोज टू ठाकुर। बहुत ठाकुर भी स्नेह करते थे, तो करते करते अभी ठाकुर की तो अंतिम समय धीरे धीरे आने लगा। सो कैंसर बीमारी से उन्होंने श्यामपुकुर बाटे आए, वही मकान में। सो एट दैट टाइम समहाउ अगेन दोस कसिस दे बिकेम वेरी वरीड। तो हरिवल्लभ वो चिट्ठी लिखा उनको, नहीं मैं कलकत्ता किसी वक्त आ रहा हूँ, आपके साथ कुछ ज़रूरी बात है, सो आई विल कम एंड स्टे विथ यू फॉर सम डेज। वही सुन के बहुत ही उन्होंने यही हो गए, तो क्यों आ रहे हैं इन लोग, आके मेरे को तो बिल्कुल कुछ तंग देंगे, इसके लिए आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू डिस्टर्ब मी, मैं तो ठाकुर के पास मेरा रहना है अभी। सो ये सो सिक, इससे मैं उनके छोड़ के जाना तो ठीक नहीं है। सी वॉज वरीड दैट हिज कसिन में से, नहीं तुम अपना संपत्ति तुम संभाल लो, आई कैन नॉट लुक आफ्टर ऑल दैट, तुम जो मर्जी करो मैं वापस दे दूँ। ऐसा करने में तो ही हैज़ नो टाइम और एनर्जी, उसकी तबीयत भी इतना अच्छा नहीं था, मन तो बिल्कुल नहीं था, मैं ऐसे कैसे करूँ करके खूब विचलित होकर वो बहुत ही सोचने लगे। तो उसी समय तो समहाउ ठाकुर इसके बारे में कुछ जानकारी हुआ. बलराम इज सो डीपली वरीड एंड अफेक्टेड. सो उन्होंने एक दिन पूछा तो क्या हुआ तुम ऐसे क्यों है? तो बलराम उनको सब बताया. तो उन्होंने बोलने लगा कैसे हरिवल्लभ कैसे लड़का है? तो बोला तो वैसे तो अच्छा है लेकिन तुम कल ले आ सकते हो तो कलकत्ता आ रहे हैं. नहीं नहीं मैं बोलने में मारेंगा नहीं. देन ही सेड आई विल टेल गिरीश. गिरीश को बताया. गिरीश को ना मैं उसकी जानता हूँ, मेरे साथ भी वो पढ़ाई भी किया बचपन में कोई अवस्था में, वो लाने के लिए मान लिया. तो उसके बाद किसी दिन गिरीश घोष हरिवल्लभ की ले आया, आके मास्टर के पास पर्ची कर दिया, ये तो मेरा बचपन का मित्र है, एक साथ हम लोग पढ़ाई करते थे, वो एक गवर्नमेंट की तरह कोई वकील वकालती कर रहे हैं इसमें कटक में. ठाकुर बोला मैं तो तुम्हारे बारे में सुना लेकिन मैं सोचता था तुम बहुत सियाना आदमी है, लेकिन अब देख रहा हूँ तुम बहुत सरल है करके पास में बिठा के इधर उधर सब कुछ बोलने लगा. देन सडनली बातें करते करते एक बार उनको स्पर्श कर दिया ठाकुर. somehow he touched him once and then he was explaining देखो इतना आँख इतना सुंदर है, सरल नहीं होने में ऐसा आँख नहीं हो सकता है. एंड देन ठाकुर गिरीश भी बोलने का एक परम वैष्णव परिवार की लड़का है कि क्या पितामह प्रदावन के सब बारे में पता लगा बोलने लगा. एंड देन सो ही वॉज देन यू नो ठाकुर वॉज एक्सप्लेनिंग सच्चाई से भक्ति क्या है. ये सब उन लोग सोचते थे ये सब तिलक लगाना ये करना ये सब, दे वर मोर concerned with those rituals, but then Thakur slowly explained to them what is the real devotion, what it means. He said, you know, he was saying, no, the real purpose of human life is to attain faith in God, devotion, and complete self-surrender. While talking in that vein, he went into samadhi. When he came down, he said. And he recognized partial consciousness. He asked one of the devotees to sing a devotional song. ये बोलते बोलते ठाकुर समाधि हो गए, सब थोड़ा उतार के आए. फिर उन्होंने किसी को बोला तुम एक गाना गाओ. तो ठाकुर even when he was singing, ठाकुर was explaining बहुत ही कम आवाज में धीरे धीरे हरिवल्लभ के समझाने लगा ये गाना के क्या अर्थ है. ओके फिर बहुत ही गहराई से समाधि मग्न हो गए. सो हरिवल्लभ विथ यू आर सो मूव्ड बाई द लविंग अप्रोच ऑफ एंड श्री रामकृष्ण, हिज आईज वर वेलिंग अप विथ चीयर्स. सो बहुत ही उनका भी इतना प्रभावित हो गए हैं, आंसू आने लगा आँख में. तो बहुत ही प्रणाम प्रणाम ठाकुर करके वो चले गए. सो आफ्टरवर्ड्स यू नो never ever did he trouble Balaram Bose or somebody because ना वो एक बार ही में उनके साथ मिलके ऐसा उन्होंने समझ लिया इसके पास आना कोई दिक्कत नहीं है. इट्स ओनली गुड फॉर बलराम. वो भी समझ लिया सच्चाई से भक्ति क्या है, भगवान के प्रति शरणागत होना क्या है. सब ठाकुर ऐसे नहीं है, दिखाया भी स्वयं वही समाधि अवस्था में. इसीलिए ठाकुर ऐसे भी कभी कभी कर देते ही. यहाँ सतमा लिख रहे हैं at Dakshineshwar, we sometimes observed that if a newcomer argued with the master, adopting a contrary view, and if a person comes to him with a hostile attitude, कोई विरूप कोई मनोभाव लेके आते तो पहले साधारण रूप से समझा देते, नहीं होता तो किसी न किसी तरह स्पर्श कर देते थे. तो उसी के बारे में ठाकुर ने स्वयं कहा देखिए सब यहाँ जब आते हैं क्यों इसी से लेना क्यों नहीं पाते हैं. सब अपना अहंकार इतना प्रबल है, इतना बलवत है, इसलिए दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बीइंग गाइडेड देयर ओन टेरिबल ईगो एंड अहंकार एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो व्हेन दिस बॉडी टचेस, उन्होंने कहा इसके अंदर जो है उसकी स्पर्श से संपूर्ण रूप से सब अहंकार मुक्त होके साफ समझ पा रहे हैं उसके बाद. That is why sometimes a touch, because that within this, a touch of that brings about a total transformation in people. इसकी उन्होंने उदाहरण दे दें. कभी कभी ऐसा कुछ सांप बहुत फना विस्तार करके नाच रहे हैं, इस कर रहे हैं, उसका कोई कभी कभी कुछ जड़ी बूटी से तुरंत शांत हो जाते हैं, स्पर्श करने में, उसको कोई लगाने में तुरंत शांत हो जाते हैं. वैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति सब अपना अहंकार सब त्याग के बहुत शांत हो जाएंगे इसके अंदर जो है उसका स्पर्श करें तो. देन यू नो इट इज़ नॉट दी ओनली इंसिडेंट, देर आर मेनी अदर इंसिडेंट्स लाइक how it is, how these people who came were completely changed and all that. And then you know after that Balaram's cousin never again thought that he was doing something wrong by visiting the master. And the master's illness worsened during the days at Shyampukur. The number of devotees who were blessed to see him and to receive his grace increased. जैसे उनका बीमारी भी बढ़ने लगा उसी समय जैसे लोग भी आने लगे जो उसी समय many of them became close to him like हरिश्चंद्र मुस्ताफी and then शारदा प्रसन्न मित्रा, बाद में वो त्रिगुणातीत जी बने, and then मनिंद्र कृष्ण गुप्ता and many others. They came to Sri Ramakrishna during Shyampukur days and they became very close to him. The master observed the character and paid and the past impressions of these people and guided them to the secrets of the inner life in a very special way for everybody. जब जैसे आदमी जैसे जरूरत है, accordingly he will guide each and every one of them. And then now he is again talking about another specific instance where no person that the younger brother of Atul Chandra Ghosh, who really slowly came to Sri Ramakrishna again through his own brother's influence, and now again he brought somebody to meet Sri Ramakrishna. This is possible for all kinds of people. So once you know when somebody had come, so he was explaining to him the various postures of meditation, sadhana, dhyan kaise karenge, and then you know the higher forms of meditation, how they are possible. ये सब खुद demonstrate करते थे. लेकिन suddenly after some time the master went into samadhi. He soon forced his mind back to the normal plane of consciousness and continued. See, I couldn't show you more. As soon as I sit in that posture, my mind is stimulated and becomes absorbed in samadhi. So, no, that is how he was. You know, although he wanted to share beyond a point, it was not possible because his mind suddenly soared to such heights. He became samadhist. Then, you know, actually, the young disciple humbly said, "Sir, why did you take all this trouble? I didn't want you to show anything." The master replied, "That is true, but it would look bad for me to remain quiet and refrain from teaching and demonstrating some spiritual truths, etc., techniques for yourself." So you know there is although he was so sick, फिर भी जब भी कोई आते थे उसकी अलग तरीका कुछ बता देते ना कुछ समझा देते. And then you know that's how he tried very hard in various ways. Many newcomers were charmed upon seeing the grace and compassion of masters and daily activities. For example, we shall refer to an event that we heard from Atul Chandra Ghosh, Girish younger brother. So you know he brought one gentleman by name Upendra, who was his friend, who lived somewhere quite far away from Calcutta. He was a very well-established person. He was a judge. So Atul Chandra उनका एक बार बोला था कोई चिट्ठी लिख के देखो next तुम कलकत्ता आओगे उस समय मैं तुमको रामकृष्ण परमस के पास ले जाऊंगा, ही इज सच ए सच ए पर्सन एंड ऑल दैट. सो आफ्टर सम मंथ्स ही केम टू कैलकाटा. देन वो अतुल के बोला, अरे तुम बोला था ले जाओगे भाई, नाउ लेट अस गो. बट देन ही सेड नो नो नो, अभी कैसे संभव है, अभी इतना बीमारी है उनका, ही सो सिक एंड वी कांट टेक न्यू कमर्स, पुराने लोग भी मिल नहीं पा रहे हैं, तो हाउ कैन यू टेक यू. एंड देन बट समहाउ वन डे this Atul Chandra Ghosh came to their house, Atul's house, this Upendra, and there Girish Ghosh suddenly told him, no, why don't you go and meet Sri Ramakrishna? Then he said, no, 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 I am asking him for the last 6 months, he is saying, alne kaaj aise karke ke mera bolte rehte hain, nahi le ja rahe. Then he says, Atul said, no, how it is possible? वो तो तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मौका मिलेगा कि नहीं. He said, no, you go and try. If it is compassionate, कि करुणा है तो तुम्हारा मौका भी हो जाएगा, तुम जाओ. तो at that time he came, Atul Chandra. But you know, like sometimes what happens, you know, when you bring devotees also to ashram, new people, so you are very careful. आश्रम से एक अच्छी धारणा लेके जाएंगे, अच्छे अच्छे होंगे, महाराज उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्या सोचेंगे आश्रम के बारे में. Sometimes devotees are worried what Maharaj will say. So like that this Atul was worried, वो तो ठाकुर के बारे में क्या सोच के जाएंगे बाद में, इतना बड़ा जज भी है. बोला देखो तुम्हारा जो बोलना है तुम भी सीधा पूछो, डोंट आस्क थ्रू समबडी, तुम सच्चाई से सीधा तुम पूछो, सब तुम्हारा ठीक होगा. एंड देन सो ही केम. एट दैट टाइम यू नो ही वाज लॉट ऑफ पीपल वर सिटिंग इन द रूम एंड ठाकुर वाज एक्सप्लेनिंग टू देम दैट वैष्णव स्टोरी. Kesava, Kesava, Gopala, Gopala, Govinda, Hara, Hara. Then he was explaining, and everybody was laughing. So you know, साधारण लौकिक बात ही हो रहा था. So Atul was feeling very bad. कि क्या सोचेंगे ठाकुर तो इतना spiritual नहीं, समझ लें तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं. So then he saw at that time, moreover, Atul did not ask anything, and then he asked something to somebody. Then it became, I said, I took Upendra to the master another morning. At that time, there were not too many people. Only a couple of his attendants were Mr. Malik, my brother-in-law. On our way there, I told Upendra categorically, if you have any question, you ask yourself. Only then you will get satisfying answer. And he did just the that what I had forbid him to do. He asked the question through Mr. Malik. So पहली बार तो आया ऐसे ऐसे बातें करके चले गए. Atul was very worried what happened, what everything. But he said, I liked the discussion so much. इतनी सुंदर सब समझा रहे थे, मेरा बहुत आनंद हुआ करके उन्हें चले गए. Still Atul was not satisfied. So दूसरी बार ले आया. उस दिन बहुत ही कम लोग घर पे उपस्थित थे. So उसी दिन भी बोला तुम जो पूछना सीधा पूछो. तो फिर दूसरी किसी माध्यम में पूछा, सटीक उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला. Then he told him, did I not tell you to ask yourself? As I watched Upendra's face, I saw that the answer did not satisfy him. तो देख रहे थे उपेंद्र कैसे लग रहा है, देखिए पता चला नहीं, उसके मन की माफिक नहीं हुआ. I whispered to him, it was bound to be so. Unfortunately, I repeatedly told you that if you have any questions, then ask him personally. Why don't you ask yourself? Why do you ask through someone else? He then took courage and asked. फिर उन्होंने साहस आ गया उनके मन में. बोला देखो सर, does God have form, or is he, or as God is formless, or is he both? And if he is both, then how two contradictory natures be in him at the same time? भगवान क्या, भगवान की रूप है कि नहीं? आप तो रूप नहीं बोलेंगे तो आप दोनों बोले कैसे संभव? एक ही जगह पे रूप भी होगा, रूप भी नहीं है, ऐसा तो दोनों तो परस्पर इतना विरोध है. So they cannot be together. So आप कैसे इसके समझाएंगे? What is the nature of God? Is he with form or without form? तो राघव तो बहुत बार प्रसंग बहुत जगह पे किया. Then the master replied, he is both with form and without form, like water and ice. जैसे आप पानी और आइस जैसे है. Then you know They are basically, in one sense they are one and the same. In another sense they are different. As far as form is concerned, eyes as there is clear, उसकी तो form है, पानी लेकिन वैसे जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन की शेप ले लेता है, उसका अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन आइस का तो जरूर है। लेकिन पानी और आइस क्या अलग है? आइस सब गिर जाते तो पानी हो जाते हैं। So they are one and the same, but at the same time they are also different. So he said, he is both with form and without form, like water and ice. Upendra had studied a science course in his college. So the master's simile satisfied him. Upendra was so pleased with the explanation that he asked no further questions. और कुछ उन्होंने पूछा नहीं. After a while, he bowed down to the master and took his leave. As we were leaving the house, I asked him, Upendra, you mentioned that you had three questions. Why did you not ask the other two questions? तुम तो बोला मेरे को तीन प्रश्न हैं, लेकिन आप तुम एक ही पूछा। बोला ऐसा मेरा जवाब मिला, इसके बाद कोई पूछने का जरूर नहीं था। मेरा सब समझ लिया। वो एक प्रश्न के ठाकुर जी से जवाब दिए, उसी से मेरा सब समस्या, सब संदेह खत्म हो गया था। Don't you understand? Did you? Then Upendra took his leave. As I asked him, Upendra then said that, why did you not ask another question? He replied, don't you understand that the answer that he gave solved all the three of my questions. Perhaps you remember that quite often at that time, Ramchandra used to eat his meal early. रामचंद्र क्या करते थे, पहले वो घर से खाना पाना खत्म करके यहाँ आ जाते थे, बातें करके कपड़ा भी साथ पे ले आते थे, देन ऑफिशियल ड्रेस पहन के बाद में जाते थे। आई थिंक वाज वर्किंग इज ऑफिस क्लोथ्स इन दैट बैग, वुड स्पेंड एन आवर और टू देयर एंड देन चेंज इनटू द क्लोथ्स एंड देन गो टू हिज ऑफिस। उस दिन उन्होंने ऐसे सब बातचीत हो रहा था, उससे वहाँ रहा। Then उन्होंने बोला, देखिए ठाकुर ऐसा गहरा कुछ बताया, तुम तो समझ नहीं पाओगे। तो उनकी नया एक किताब था, तत्व प्रकाशिका। तो ये किताब तुम पढ़ो, तुम समझ पाओगे, ये तुम्हारा जरूरत है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। देन अतुल वाज देयर एंड ही बिकेम वेरी अपसेट। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो 7 साल पहले से ठाकुर के पास आ रहे हैं, हम लोग तो अभी आए, लेकिन यही तुम्हारा समझ हुआ। ठाकुर सीधा जब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कोई समझ नहीं पाएगा, तुम्हारा किताब पढ़ के समझ लेगा। ये क्या तुम्हारा बुद्धि है? तुम चाहते तो तुम्हारा किताब के देना चाहते हो, प्रसन्न देना चाहते हो, वो दे दो, लेकिन ऐसा मत बोलो। तो रामचंद्र भी थोड़ा लज्जित हो गए। देन उसके बाद उन्होंने तुरंत उनको दे दिया, किताब भी दिया। तो उस दिन का घटना वहाँ खत्म हो गया। ऑन दी He saw the subtle body come out of the gross body and move around the room. He noticed some wound on the neck of his head and was wondering how these things happened. Which I think now he is talking about. Thakur had a vision. I think he saw that, you know, from his own body, a subtle body came out. And he saw that there was a wound in the neck, indicating, you know, the cancer or what was really ailing the master. When the Divine Mother explained to have been by the people who had committed various sins, had become pure by touching him, thereby transferring their own to his body and then creating those wounds. So उन्होंने इसे मैं जो साधारण बहुत ही बड़े-बड़े महापुरुषों के जीवन में ऐसे कहते थे, इसीलिए people unless one is extremely evolved and very great, it's possible they are able to take everything. Like ठाकुर तो जैसे, ये भी एक बहुत ही बड़े चर्चा की बात है, whether it's all these things really happen, you know, that whether it's possible for someone to transfer one's sins to other. कोई अपना पाप दूसरी का दे सकते हैं, इसकी क्या बात है? Because this is something that comes in spiritual life, these type of discussions, because you see, as one becomes more and more सात्विक मानसिक रूप से होने में धीरे धीरे शरीर की भी वो सत्वगुण ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट हो जाता है. See, Thakur had become so sattvic, just by breaking luchi, you know, he hurt his fingers once. कोई इतना सात्विक बन गए थे का तबीयत ऐसा हो जाता था, ऐसा मृदु, ऐसा सॉफ्ट. सो यू नो, बिकॉज ऑफ इस एक्स्ट्रॉर्डनरी साधना उनकी तो रियलाइजेशन, अनुभूतियाँ इतनी हुआ. एट द सेम टाइम द बॉडी हैड बिकम एक्सट्रीमली सेंसिटिव. सो साधारण सर के लोग जब प्रणाम करते थे, बिकॉज ही वाज सो मच एस्टैब्लिश इन सच एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पिरिचुअल हाइट, द बॉडी वाज नॉट एबल टू अब्जॉर्ब और टेक ऑल दैट. That would have a reaction. जिसमें कई बार कोई प्रणाम विषयी लोग आके प्रणाम करके जाने के बाद मेरा बहुत ही पैर बहुत जल रहा है करके बहुत पानी देके बहुत ही साफ करते थे, धो देते थे. माँ भी ऐसा बोला, ऐसा ऐसा कर रहा है, बहुत ही लोग प्रणाम करके गया इसलिए आज मेरा पैर धो दो. But you know, it all happens only because of if one is very very evolved in spiritual life. आपकी spiritual जीवन में बहुत आगे चले गए हैं, बहुत अनुभूतियाँ हो गया. फॉर सच पीपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो सम ऑफ दिस नॉर्म्स. जस्ट नो इवन प्रेसिडेंट महाराज वगैरह व्हेन दे आर वेरी सिक एट दैट टाइम दे डोंट अलाउ पीपल टू टच देयर फीट, दूर से प्रणाम करने के. क्यों? बिकॉज नो दे हैव बिकम सो सॉफ्ट, सो इवॉल्व. एट दैट टाइम एक साधारण सर व्यक्ति से तुरंत संग दोष में ये सब उनके माध्यम आ जाता है. इट दे से. But no, it is applicable only for extremely evolved souls, not for ordinary souls like us. But if one is very evolved in spiritual life, one has to be careful about everything. इसलिए आहार इत्यादि के भी क्या है नियम. साधारण सर से people take any kind of food, it doesn't affect it all because their minds are so tamasic as such. But as you become more and more सात्विक, आप जैसे जैसे आगे चलते हैं उसके अनुसार सब में परिवर्तन तो आना तो जरूर आएगा ही आएगा. You cannot take also. At that time, no, your system itself will reject. You will become sick. आपके कुछ बीमारी तो हो ही जाएगा. But at the same time, people often misunderstand also. गलत समझ के ये सब बिना ये सब स्तर पे पहुँच के भी ये सब करना शुरू करते हैं. That will only be an external only kriya. If it is without evolving, if you really start doing all that, it becomes only a kind of a practice. It doesn't really matter. But then if one is really advanced in spiritual life, क्योंकि बहुत समय जब ध्यान करना है इस सब के लिए, the more and more you become like that, obviously no, the mind will pay less and less attention to all this. साधारण रूप में भी जैसे जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा साधन पथ पे चले, at some point of time the mind will pay less and less attention to the other things like food, sleep, whatever it is. But again, the what is the most difficult thing is to make the right mix. मेरा क्या सच्चाई से बहुत साधन की वजह से मेरा नहीं ले पा रहा हूँ. अदरवाइज इज इट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फील दैट आई हैव रीच्ड द स्टेट बट आई एम नॉट रियली देयर. दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट ईच पर्सन हैज टू सॉल्व. ये सब व्यक्ति अपना अपना ही कर सकते हैं. मे बी कोई आपकी कोई बहुत महापुरुष की किसी कृपा है तो उसकी माध्यम में हो सकता है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ अस एंड अप डूइंग इट रॉन्गली. मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट व्हाट इज नॉट नेचुरल टू अस, वी थिंक दैट वी शुड डू दिस. क्यों पढ़ा? वही महापुरुष के जीवन में इतना नहीं लेते थे, इतना नींद में नहीं जाते थे, हमेशा ही करते थे. बट इट इज नॉट फॉर अस. हम मैं कहाँ हूँ वही समझ के करना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ साधना. बिकॉज इन स्पिरिचुअल लाइफ हाउ डू आई नो हाउ मच आई हैव प्रोग्रेस्ड? वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि कभी मन इतना अच्छा स्थिति में रहता है, अभी अगेन द माइंड गोज डाउन वेदर आई हैव रियली प्रोग्रेस्ड. सो इसीलिए हमेशा इट्स ऑलवेज गुड टू प्रे टू गॉड, प्रे टू ठाकुर मान, स्वामी जी जो मेरे करना लायक आप ही करवा दो. सो विद दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिट ऑफ सरेंडर यू कैन अप्रोच. बट देन वन हैज टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज क्वाइट ऑफन वी एंड अप डूइंग एक्सेसिवली ऑल्दो वी आर नॉट रियली फिट फॉर दैट काइंड ऑफ अ साधना और दैट काइंड ऑफ. देन क्या होता है? सी इफ यू आर रियली एडवांस्ड इन स्पिरिट, फॉर एग्जाम्पल ठाकुर वॉज यू नो वेन ही वॉज really in that Nirvikalpa Samadhi for 8 months or so, as it is given in the Vedanta Sadhana that chapter, तो कुछ नहीं लेते नहीं थे. For months he did not take anything. कोई बाहर से एक साधु आके एक कोई छोटी सी एक लाठी लेके पिटाई करके के कुछ खिलाता था. With that he managed. Otherwise, but you know, normally 8 months if we live like that we will die. हम लोग का शरीर रहेगा ही भी नहीं. And 8 महीने में ऐसा क्या? The eyes would not close. जबरदस्ती बंद करना पड़ता था. क्यों बंद नहीं होता था आँख? Can you imagine? Even one day if you can't sleep, we feel so bad. We have to sleep extra next day. But you know, for months he couldn't even close the eyes because he was so much possessed by something else. So you know what is important is to draw this fine distinction in spiritual life. कितना तक मैं कर रहा हूँ सच्चाई से मेरा अवस्था के अनुसार करना. कितना मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ. थोड़ा अभ्यास करना भी अच्छा है. Otherwise normally it's also the other thing is also true. थोड़ा भी दे आज नहीं करने बाद में करूँगा ये करना नहीं है तबीयत खराब हो जाएगा. That's also being completely body-minded. That is also not good. और हमेशा ऐसे भी जबरदस्ती ज़्यादा ज़्यादा करके बीमार हो जाती है तबीयत खराब हो जाती है वो भी ठीक नहीं है. What exactly is the correct balance? That one will know if only is a sincere साधक. आप सच्चाई से एक साधक हो तो आपकी मार्गदर्शन सच्चाई से भगवान से जरूर मिलेगा आपको. If you are a real साधक, God will really guide you. आपका कितना करना है उसके अनुसार आप अंदर मन जो आ रहा है उसके अनुसार करो. अदरवाइज नॉर्मली पीपल इधर दे डू एक्सेस ऑन दिस साइड बिकम भोगीज और इन अदर साइड दे डू टू मच ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड बिकम सिक. दोनों अच्छा नहीं है. कितना करना है उतना करना. दैट्स व्हाई यू नो इवन इन ठाकुर्स लाइफ यू सी ही डजंट टॉक सो मच अबाउट फास्टिंग एंड द स्लीपलेस नाइट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. साधारण ढंग से तुम रहो. खाना के लिए जीना ठीक नहीं है. जीने के लिए खाना ठीक है. जितना तक टेक समथिंग यू डोंट हैव टू फास्ट ऑल द टाइम बट देन ट्राई टू गिव एज मच ऑफ योर माइंड एज पॉसिबल टू गॉड. मन जितना भगवान की देना समय वही कोशिश करो. करते करते आपसे दूसरी तीसरी चीज से मन वैसे ही हट जाएगा. इफ यू आर अ वेरी सिंसियर साधक योर वेरी माइंड विल टेक यू अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर नॉट गॉड इन कोर्स ऑफ टाइम. आपकी धीरे धीरे जरूर ऐसी अवस्था प्राप्त होगा ही होगा. But then don't do anything excessively on your own without understanding the truth. That's what Thakur says again and again. So probably I think it's nice to end with this note because this is very important in spiritual life. How much we should do and how much we should not do. It's always a big point and most of us commit the mistake. Either we do too much, which is not correct for our station, or we do too little. बहुत कम करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं. दोनों ही जैसे जितना करना जितना पर्याप्त है वैसे ही करना. एग्जैक्टली द अमाउंट एंड दैट वी विल नो ओनली थ्रू ओवर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इयर्स ऑफ सरेंडर अगेन अगेन टेकिंग हेल्प फ्रॉम ठाकुर महाराज स्वामी जी ओनली विल बी एबल टू फाइंड आउट. अदरवाइज इट बी रियली डिफिकल्ट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द लेवल टू विच वी शुड प्रैक्टिस दिस ऑस्टेरिटीज.